शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपाल, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक पांव खो दिया। एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है। इस हादसे से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। गोपाल, कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हक बनता है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 रुपया देता हूं। 30,000 रुपए? ये सब मेरे हैं मालिक। बहू अविनाश, देखा कितने दयालु हैं मेरे मालिक, कितना बड़ा दिल है इनका। वो जपाहज को माला माल कर दिया। अविनाश, ये रुपए बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है। ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। गोपाल, खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट, नाम क्या है? जी, बहादुर सिंह। के बे, फिर लाइन में घुस गया? नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। एक मर्तबा खून दे के पैसा बना लिया, बोलता अभी आ रहे। सेवक, सुन अर्शे भाई, क्यों मारता है इसको? देखो साहब, इन लोगों ने खून देना ठंडा बना लिया है। साला लोग इस पैसे का जुआ खेलता है, शराब पीता है। सेवक, ढीकरा, ये सब क्या है? बाबा जी, मैं बाबा जी ये देखिए मैं क्या लाया हूं। सेवक, ये तू सब कहां से लाया? जी जी, वो तूने चोरी की? नहीं बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की। फिर तेरे पास पैसे कहां से आए? जी वो मैं पूछता हूं, तेरे पास पैसे कहां से आए? चंद्र भैया मिल गए थे। हाँ सेवक, उस कमीने चंद्र से भीख मांग कर लाया है। दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं अवतार, नहीं, चंद्र से पैसा मांग कर नहीं ला, ये झूठ बोलता है। आजो, 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 नहीं देख, एक बार नहीं, गरीब दो बार अपना खून बेचकर ये सब सामान लाया। मुझे माफ कर दे सेवक, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। सेवक,
ने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया थे? बीजी भाई मजा आ गया भाभी, क्या बिरयानी थी, क्या कोफ्ते थे। पौन में तो ऐसे खाने के लिए तरस गए थे, अपना देश फिर अपना देश। अच्छा भाई हम लोग चलते हैं। अच्छा ओके बाय 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 बाय। नमस्ते पिताजी, कब से ढूंढ रहा हूं आप लोगों को, आखिर आज मिल ही गए। और ये सब क्या है, किस लिए है ये? माँ माँ जब हम मौजूद हैं तो पिताजी को इस तरह से काम करने की क्या जरूरत है? हमारे होते हुए आप लोग इस तरह से झोपड़े में रहे, ये मैं नहीं देख सकता। ये क्यों नहीं कहते, तुम इस झोपड़े को अपने अमीर दोस्तों के महल के सामने नहीं देख सकते, और इस झोपड़े में एक मामूली अपाहिज मैकेनिक को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और वो बाप तुम्हारी इज्जत की चादर पे बदुमा धब्बा है। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे देखकर डर गए, लोग क्या कहेंगे, सेठ लक्ष्मी नारायण का दामाद इस फटीचर बाप का बेटा है जो स्क्रू ड्राइवर और पाना लेकर फुटपाथ पर बैठा है। पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ यही बात है, अपना ये झूठा चेहरा मेरे सामने से ले जाओ, इसके अंदर की बदसूरती मैं देख चुका हूं, चले जाओ। की मजदूरी करना मैंने बंद कर दिया है। मंजिल मिल गई, अरे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मिल गया। हाँ, हाँ, अरे मिल गई।
मुझे मेरी मंजिल मिल गई। इस नवे कार्बोरेटर को बनाकर मिस्टर अवतार किशन ने पेट्रोल की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया है। एक गाड़ी जो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती थी, अब इस नवे कार्बोरेटर के साथ 15 किलोमीटर चलेगी। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मिस्टर अवतार किशन। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आपके इस कार्बोरेटर को अप्रूव करते हैं और इसे रजिस्ट्रेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राधा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें भी किशन, परसों के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। राधा, सबसे बड़ी खुशी तो इसकी है कि हमारे साथ साथ हर साल हमारे प्यार की उम्र भी बढ़ती जा रही है। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। कंगन, मेरे कंगन, मैं तो समझी थी इसमें हीरे मोती जवाहरात होंगे, लेकिन किशन, आज के दिन तो मुझे इतना कीमती तोहफा दोगे यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसे जमाने ने छीन लिया था राधा, आज मैं इसे जमाने से छीन लाया हूं। पगली, ये तो तेरा असल है, सूद तो मुझे चुकाना है। राधा, जिंदगी के हर मोड़ पर तूने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, कभी कुछ मांगा ही नहीं। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वक्त आएगा तो मांग लूंगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। इस वक्त खाना आपका इंतजार कर रहा है, चलिए। सेवक जी, बाबूजी, यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी का ऑर्डर पूरा हो गया? जी बाबूजी, डबल शिफ्ट चल रही है, परसों तक हो जाएगा। और रेडिएटर की कंप्लेन आई थी मार्केट से, उसका क्या हुआ? वो खराब माल जो था ना, वो वापस मंगवा लिया,
और उसकी जगह नया भेज दिया। हर वक्त काम की बात, कम से कम खाना तो इत्मीनान से खा लिया करो। इत्मीनान से तो खा रहा हूँ। सेवक वो कपूर साहब का जो कौन? देखो जी, बस बहुत हो गया, जितना चाहा था उससे कहीं ज्यादा भगवान ने हमें दे दिया। अब आराम करो। अरे 55 बरस में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। रिटायर तो आदमी को उस दिन होना चाहिए जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ब्यूटीफुल सुधा, तेरे टेस्ट का जवाब नहीं। क्या डेकोरेट किया है घर को, पहचाना ही नहीं जाता। कमी तो सिर्फ दो चीजों की है, एक वीडियो और एक कार। मैम साहब, वो भी आ जाएंगी। साहब, खाना लग गया है। चलो आइए। बैठिए। आइए आइए। लो यार, तुम भी शुरू करो ना। मिस्टर रमेश, एक्सक्यूज मी। आइए मिस्टर तनेजा। वो हमारी इंस्टॉलमेंट का क्या हुआ जी? वो इस महीने आपको जरूर पहुंच जाएगी। आप हमेशा वादों पर टाल देते हैं और बड़े मजे से हमारा फ्रिज, फर्नीचर और टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है मिस्टर रमेश। वो क्या है कि कुछ उल्टे सीधे खर्चे आ गए थे, वरना तो आप समझते हैं मैं। देखिए, आपसे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आप इतने बड़े बाप के बेटे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। वेल मिस्टर तनेजा, डोंट वरी, आपको आज के बाद किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है। डार्लिंग, खाना ठंडा हो रहा है। बाबूजी, गोपाल आया। राम राम मालिक। गोपाल, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक पांव खो दिया। एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है। इस हादसे से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। गोपाल, कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हक बनता है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 रुपये देता हूं। 30,000 रुपये? ये सब मेरे हैं मालिक। बहू, अविनाश, देखा कितने दयालु हैं मेरे मालिक, कितना बड़ा दिल है इनका। वो जपाहज को माला माल कर दिया। अविनाश, ये रुपए बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है, ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। गोपाल, खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। सॉरी गोपाल, मुझे तुम्हारे जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है, मुझे माफ कर दो। Want it done at once. मगर सर, हमारे प्रोडक्ट उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। फिर हमें कम दामों बेचने की क्या जरूरत है? इससे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। शर्मा,
तुम जिसे नुकसान समझ रहे हो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। लक्ष्मी नारायणन कंपनी और चंदर इंटरनेशनल का नाम मार्केट से मिटा दो, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जी डैडी। चंदर, ये अपने ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कैंसिल क्यों हो रहे? बॉल बेयरिंग्स, पिस्टन रिंग्स, क्लच प्लेट्स, कल से सारे मुल्क में इनकी मांग थी, ये भी क्यों नहीं आया? जी वो क्या बात है डैडी, अवतार एंटरप्राइजेस हमारे कंपटीशन में हर जगह अपना माल बहुत सस्ते में बेच रहा है।